Perfect. चाट नाम लिया नहीं सभी के मुंह में आ जाता है पानी, और हम सभी मिस करते हैं वो ठेले वाली स्ट्रीट स्टाइल चाट को। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुंबई फेमस स्ट्रीट स्टाइल दही पूरी चाट, सभी की फेवरेट, सबसे कम मेहनत में सबसे जल्दी सबसे स्वादिष्ट चटपटी चाट, सबसे आसान जो आप कभी भी बना सकते हैं। साथ ही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चाट की जान इमली की चटनी और हरी वाली चटनी, जो आपकी चाट का 100 गुना स्वाद बढ़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चटपटी मजेदार दही पूरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी दो तरीके की चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी और चटपटी हरी वाली चटनी। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं चाट वाली इमली की चटनी। तो चाट वालों जैसी इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी इमली। तो ये मैंने ली है 50 ग्राम सीडलेस इमली, मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं इसके पैकेट, इसमें बीज नहीं होते यानी सीडलेस होती है ये। अगर आपके पास इमली का पेस्ट है तो आप वो भी ले सकते हैं, जो रेडीमेड पेस्ट आते हैं ना टैमरिंड पेस्ट, वो भी यूज कर सकते हैं। तो इमली को हमें सबसे पहले गर्म पानी में भिगोना होगा जिससे कि ये बिल्कुल नरम हो जाए, हम इसका आसानी से पेस्ट बना पाए। तो मैंने पहले से ही इसको तैयार कर लिया था गर्म पानी में, मैंने 15 मिनट के लिए इमली को भिगो दिया और अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमली है बिल्कुल पानी के साथ एकदम नरम हो गई है। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, चाहे तो आप इमली को पानी में बॉईल भी कर सकते हैं, तो उस तरह भी बना सकते हैं। अब आप ग्राइंडिंग जार में सारा इमली को पानी सहित डाल दें। पानी आपको भिगोने के लिए थोड़ा ही लेना है कि इमली उसमें डूब जाए यानी सोक होने के लिए, बस इतना भर। अब इसको पीस लेते हैं, बिल्कुल फाइन इसका गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। एक बोल पर लगाइए इस तरह छन्नी, और जो भी हमने इमली पीसी ना ये वाली, बिल्कुल बढ़िया स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया। सारा आप निकाल लें और इसको छान लें, जो भी रेशा वगैरह जो भी इसमें कुछ होगा वो सारा ऊपर रह जाएगा मोटा मोटा। तो फटाफट से इसको छान लेते हैं। और ये देखिए 50 ग्राम मैंने इमली ली थी, थोड़ा सा आप इसमें पानी और ऐड कर दें क्योंकि फाइनली जब हम इसको बॉईल करेंगे जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वह एवेपोरेट हो जाएगा। लीजिए इमली का पेस्ट है रेडी। अब आप गैस पर चढ़ाइए एक कढ़ाई, फ्लेम को कर दीजिए मीडियम, इसमें डालिए एक चम्मच ऑयल, ऑयल के गर्म होते ही आधा छोटी चम्मच इसमें डालेंगे जीरा, दो पिंच हींग अच्छे फ्लेवर के लिए, और इमली के पेस्ट को पलट देंगे, मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और अब इसमें जाएगा खट्टा मीठा फ्लेवर लाने के लिए गुड़ यानी जैगरी। तो जैसे मैंने 50 ग्राम इमली ली तो मैंने 50 ग्राम ही गुड़ लिया है, तो गुड़ को भी इसी में ऐड कर देंगे, थोड़ा सा क्रश करके ले, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अगर आपके पास गुड़ की सुविधा नहीं है तो आप यहाँ पर फिर चीनी डालें। अब इस तरह लगातार चलाते हुए गुड़ को बढ़िया से पिघलने देंगे। साथ में इसके खट्टेपन को फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच चीनी। अगर आप चीनी ना डालना चाहें तो पूरी तरह गुड़ से भी बना सकते हैं, यानी गुड़ की मात्रा थोड़ी और बढ़ा लें अगर आपको थोड़ा और मीठा चाहिए तो। तो बस चीनी को भी मीडियम फ्लेम पर इसके साथ कर देंगे मिक्स। अब इसमें डालते हैं कुछ मजेदार मसाले जो हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी को और भी टेस्टी बना देंगे। एक छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और आधा छोटी चम्मच काला नमक जो इसको बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा। अगर काला नमक ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसे जैसे ये गाढ़ी होने लगेगी, बॉईल होने लगेगी, इसका कलर थोड़ा सा डार्क होने लगेगा। और ये लीजिए हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी है बिल्कुल तैयार। देखिए लग रही है ना कितनी टेम्पटिंग, जब आप इस तरह से कोई चम्मच या स्पून डालकर देखेंगे ना तो उसकी देखिए बैक साइड पूरी कोट हो रही है। ये देखिए इस तरह से हल्की शाइन भी दिख रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। साथ के साथ जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस हम गैस को ऑफ कर देंगे और चटनी को थोड़ा ठंडा होने देंगे। और लीजिए तैयार है हमारी इमली की चाट वाली खट्टी मीठी चटनी। लग रही है ना एकदम बढ़िया, खाने में भी एकदम मस्त है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। ये देखिए परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट टेस्ट, परफेक्ट लुकिंग। तो चलिए बनाते हैं चाट की दूसरी वाली चटनी यानी हरी चटनी, चटपटी चाट वाली हरी चटनी।
सबसे पहले आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में मैं ले रही हूँ हरा धनिया। तो लगभग मैंने ये 2 मुट्ठी के करीब हरा धनिया फ्रेश लिया है। यहाँ पर खास बात क्या याद रखनी है कि आपको ये डंडी नहीं फेंकनी है, असली स्वाद हरे धनिया का ना इस डंडी में ही होता है। तो थोड़ी डंडी सहित ले, सिर्फ मोटी मोटी हटाएं। तो ग्राइंडिंग जार में हरा धनिया डाल देंगे। अब इसमें जाएगा फ्रेश पुदीना। तो लगभग 1/4 कप के करीब मैंने फ्रेश पुदीना लिया है, बहुत थोड़ा सा ही चाहिए। अब इसमें जाएंगी 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब चटनी में गाढ़ेपन और अच्छे कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच रोस्टेड ग्राम दाल, जिसे आप फोटाना दाना भी बोलते हैं। अगर ये ना हो तो इसकी जगह पर आप भुनी हुई मूंगफली डाल सकते हैं, सफेद तिल भी डाले जा सकते हैं। इससे क्या होता है, चटनी में कालापन नहीं आता, गाढ़ी हो जाती है चटनी, स्वाद अच्छा आता है और बहुत ही बढ़िया कलर आता है। अब आप डालें चटनी का स्वाद बढ़ाने के लिए 2 पिंच हींग, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक जो इसको बहुत बढ़िया टेस्ट देगा, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। चाट वाली चटनी बना रहे हैं ना, थोड़ी सी खट्टी बढ़िया बनाएंगे। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, या फिर नींबू का रस थोड़ा ज्यादा डाल लीजिए। फाइनली गया 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। फाइनली जाएगा 2 बड़े चम्मच पानी, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, जरूरत के अनुसार बाद में हम ऐड कर लेंगे। बढ़िया से इसको फाइन पीस लेते हैं। चटनी को मैंने पीस लिया है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए क्या मस्त कलर आया है। तो लीजिए, हमारी चाट वाली 2 तरीके की चटनी है बिल्कुल तैयार। हरी चटपटी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी। हरे धनिया की चटनी लगभग आपकी 3 से 4 दिन तक एक स्टील के टिफिन में या किसी एयर टाइट बॉक्स में आप भर करके फ्रिज में रख दें, और इमली की चटनी पूरे 1 महीने भी खराब नहीं होगी फ्रिज में। तो इस तरह आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। दही पूरी चाट के लिए अब नेक्स्ट हमें चाहिए दही। ये मैंने लिया है गाढ़ा दही, जिसको मैंने बढ़िया से फेट लिया है। बिल्कुल ऐसा दही चाहिए होगा हमें चाट के लिए। दही में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच चीनी, जिससे कि जो दही है वो एकदम बढ़िया लगे चाट में, खट्टा मीठा दोनों स्वाद आए, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहें तो ना डालें। यहाँ पर लगभग मैंने 1 कप के करीब दही लिया है, और ये लीजिए हमारा चाट के लिए गाढ़ा दही है बिल्कुल तैयार। अब जो नेक्स्ट चीज है दही पूरी चाट के लिए, वो है आलू। तो ये मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, जिसको मैंने हाथ से फोड़कर क्रश कर लिया है बिल्कुल। अब दही पूरी को मस्त बनाने के लिए, बिल्कुल जैसे स्ट्रीट पर आप खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ उबली हुई हरी वाली मूंग की दाल, ये वाली होती ना साबुत वाली, इसको मैंने थोड़ा सा बॉइल कर लिया। तो इसमें हम डाल देंगे ये 2 से 3 बड़े चम्मच उबली हुई हरी मूंग दाल। अब इसमें जाएगा लाल मिर्ची पाउडर स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा जाएगा हरा धनिया। मजा आ जाएगा ये मसाला खाके। तो इसे कर लेते हैं बढ़िया से मिक्स। तो लीजिए, हमारा दही पूरी के लिए मसाला मजेदार है बिल्कुल तैयार। और दही पूरी की जान हमारी पूरियां, यानी पानी पूरी। तो ये मैंने ले ली रेडीमेड वाली। तो एक लेते हैं प्लेट, और प्लेट में लेते हैं अपनी पानी पूरी। अब आप लें पानी पूरी और इस तरह करें उसमें होल, यानी कि छेद, और ये लीजिए मैंने इस तरह से सभी पानी पूरी में होल कर लिया है। आप लें एक पूरी और इसमें भरेंगे हमारा मस्त आलू वाला मसाला, जितना चाहें उतना फिल करें। बनाते बनाते वक्त ही आपके मुंह में पानी ना आ जाए तो कहिएगा, इतनी मस्त दही पूरी बनेगी। तो सभी पूरी को हम इसी तरह आलू के मसाले से भर लेंगे। तो मैंने सारी पूरियों को मसाले से फिल कर लिया है, और अब इसमें जाएगी बूंदी, वो जो रायते वाली बूंदी होती है ना, बस ये वही वाली बूंदी है। बस यहाँ पर मैंने ये रायते वाली बूंदी को 1 बार पानी से भिगो लिया और तुरंत ही निकाल लिया, हल्की ये नरम हो गई। थोड़ी थोड़ी बूंदी हम अपने दही पूरी में डाल देंगे। अब इसमें जाएगी बारीक कटी हुई प्याज, तो थोड़ी थोड़ी सी हम प्याज ऊपर से इसमें डाल देंगे। असेंबलिंग आपके ऊपर है, जैसे चाहे वैसे आप इसको असेंबल कर सकते हैं। अब जाएगा इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर, तो थोड़ा थोड़ा सा टमाटर हम इसके ऊपर इस तरह सजा देंगे। बहुत ही मस्त बनती है ये दही पूरी चाट, मजा आ जाएगा खाकर। आप बिल्कुल बाजार की मिस नहीं करेंगे जब आप इस तरह बनाएंगे। और अब इसमें जाएगी हमारी मस्त खट्टी मीठी इमली की चटनी, जो भी हमने तैयार की थी, और अब इसमें जाएगी हरी चटनी जो अभी हमने तैयार की। तो थोड़ी थोड़ी इस तरह डाल दीजिए हरी चटनी, क्या मस्त लग रही है।
जो देखेगा ना उसको रुका नहीं जाएगा इस चाट को देखकर। और अब डालते हैं अपना तैयार फिटा हुआ दही, तो ये भी इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे इस तरह। और अब इसके ऊपर डाल देते हैं लाल मिर्ची पाउडर, आहा मजा आ जाएगा खाकर। थोड़ा सा डालते हैं चाट मसाला, ऐसे ही डालता है ना वो ठेले वाला, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। और अब गई चाट की जान बारीक वाली सेब, जो चाट पर पड़ती है ना बस वही वाली, इसीलिए तो इसको सेब दही पूरी बोलते हैं। तो सभी में इस तरह से डाल देंगे ये बारीक वाली सेब। वाह क्या लग रहे हैं। और फाइनली डालेंगे इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी फेमस स्ट्रीट स्टाइल सेब पूरी चाट, चाहे आप दही पूरी चाट बोलिए या दही बटाटा पूरी बोलिए, मुंबई की फेमस स्ट्रीट स्टाइल दही पूरी चाट। और मेरी ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल, जैसे वो देता है ना बाजार में कागज की प्लेट में, बिल्कुल वैसे ही चाट है, बिल्कुल तैयार। आ गया ना देख के ही मुंह में पानी, ऐसी चाट है कि आप बनाते बनाते वक्त तक रुक नहीं पाएंगे। इजीली बिल्कुल ठेले स्टाइल चाट घर में बना सकते हैं और सभी को दे सकते हैं सरप्राइज। बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त टेस्टी, एक ही चाट के अंदर ढेर सारे फ्लेवर, खट्टा मीठा तीखा चटपटा, खाकर मजा आ जाए। टेम्पटिंग, ये टपकता हुआ इसमें से दही चटनी, कोई रुक नहीं सकता, सब चट हो जाएगा जब आप इस तरह घर में बनाएंगे। अब बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है, मजेदार चाटे मेरी तो तैयार। आप भी जाइए फटाफट बनाइए ये सेब पूरी चाट और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये स्ट्रीट स्टाइल दही पूरी चाट की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।